हाँ तो भाई, अगर आपने भी अमेजोन से कोई ऑर्डर मंगाया और वो डिफेक्टिव निकल गया, मतलब आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको उसे वापस करना है, तो सिंपल सा आप कैसा कर सकते हो अपने ऑर्डर को रिटर्न, जिससे आपको आपके पैसे वो रिटर्न मतलब आपके रिफंड मिल जाएंगे, वो भी बताऊंगा, सब प्रोसेस A to Z बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे से, देख सकते हो सेकंड वाला यू वाला ऑप्शन। सिंपल सा इस यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ चार ऑप्शन शो होंगे, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसमें यूअर ऑर्डर का ऑप्शन, ये देख सकते हो। यूअर ऑर्डर ऑप्शन वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब इसमें क्या होगा, जितने भी आपने ऑर्डर किए होंगे सारे के सारे ऑर्डर आपको नजर आ जाएंगे। इसमें से आपको कौन सा ऑर्डर को रिटर्न करना है और आपको उसे दे देना है, तो सिंपल सा उस ऑर्डर पे क्लिक करना। मैं देखो या बता रहा है डिलीवर्ड यस्टरडे, सिंपल सा मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे इस ऑर्डर को क्या करना है, वापिस करना है। तो सिंपल सा देख सकते हो मैं इसको वापिस करूंगा। देखो मेरे को 24 फेब्रुवरी को ये मिला था, तो बट मुझे आउटर को अब पसंद नहीं आ रहा है, इसमें जैसी क्वालिटी बता रहा था वैसी नहीं थी, इसलिए मुझे इसे वापिस करना है और पैसे रिफंड ले लेने हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, देखो सबसे पहले नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, नीड हेल्प विद योर आइटम। अब इसमें आपको देखो या दिखाई देगा रिप्लेस आइटम और रिटर्न आइटम, तो देखो नीचे बता रहा हूँ मे बी पॉसिबल थ्रू 2 मार्च 2024, ये आपको नीचे डेट बता रहा है कि कब तक आप इसे रिटर्न या रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ अगर आपके इसमें रिप्लेस आइटम शो हो रहा है और रिटर्न ऑर्डर और शो नहीं हो रहा है, तो तब भी आपको इस पे क्लिक करना है। तो सिंपल सा इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बताएगा, व्हाई आर यू रिटर्निंग दिस, आप इसे क्यों वापस करना चाहते हो। तो सिंपल सा मैं यहाँ कोई भी रीजन लिख सकता हूँ, तो सिंपल सा मैं यहाँ लिख देता हूँ आइटम डिफेक्टिव और डिजेंट वर्क। सिंपल सा इस पे क्लिक करके आपको एक कमेंट में क्या करना है, आपको उसको डिस्क्राइब करना है कि आपको क्या दिक्कत देखने के लिए मिली हमारे प्रोडक्ट के साथ। तो सिंपल सा मैं लिख देता हूँ माई ऑर्डर डिफेक्टिव, तो देख सकते हो मैंने लिख डाला हूँ माई ऑर्डर डिफेक्टिव। और मैं सिंपल से क्या करूंगा, नीचे का ऑप्शन मिलूंगा कंटिन्यू का, सिंपल से इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फिर ऐसे हमारे सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो अभी बता रहा है हाईकॉन, देखो हाउ कैन वी मेक इट राइट। तो आपको इसके लिए क्या करना है, नीचे का ऑप्शन में रिप्लेस विद द एक्सेक्ट सेम टाइम, तो सिंपल से इस आइटम पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको देखो यह कुछ इस तरीके से बता रहा है, नीचे बता रहा है आई एग्री टू रिटर्न ऑल आइटम इन ओरिजिनल कंडीशन विद प्राइस टैग और स्टिकर इनटैक यूजुअल मैनुअल, मतलब जितने सारे आपको ऑर्डर के साथ सामान मिला था सारा वापस करना होगा आपको। अगर उसकी पैकिंग थोड़ी बहुत इधर उधर होगी तो चल जाएगा, बट आपको उसमें जितने भी एक्सेसरीज मतलब प्रोडक्ट्स के साथ जितना भी सामान आया था वो सब आपको वापस कर देना है। तो आपको उससे क्या करना है, देखो अभी उसके बाद आपको नीचे आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और सिंपल सा देख सकते हो अभी आपको ये देखने के लिए मिलेगा नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन, सिंपल सा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नया प्रोसेस आएगा और सिंपल सा ये आपको बताएगा देखो पिकअप डिलीवरी, तो ये आपको कब आने वाला है वो सब आपको इसमें नजर आ जाएगा। तो सिंपल सा मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ और नीचे बता रहा है देख सकते हो या एड्रेस आपका जो भी पिकअप एड्रेस है उस पे एक बंदा आएगा, जो आपको ऑर्डर दिया था वैसा ही एक बंदा आएगा और आपको ऑर्डर मांगेगा कि आपका हमारा ऑर्डर दे दीजिए और आपके पैसे वो आ जाएंगे। अगर वो आपके पास नई ऑर्डर दे देता है, मतलब एक सेम आपको जैसे जो आपने मंगाया था जैसे वॉच मंगाया था, अगर वो वॉच देता है तो आपको वॉच ले लेनी है, और अगर आपको वो बोलता है कि आपके इसमें पैसे आ जाएंगे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपके इसमें रिटर्न हो जाएगा। ये क्यों होता है, देखो नीचे का ऑप्शन मिलेगा आपको रिप्लेसमेंट समरी, तो मेरे इसमें 00 बता रहा है, तो आपके इसमें भी ये 00 बताएगा, क्योंकि इसमें कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते, ये ऑफकोर्स फ्री रहता है। तो अब बात करते हैं इसमें आपको कि ये रिटर्न हो जाएगा ये नहीं, तो देखो अगर आपके इसमें रिप्लेसमेंट आइटम शो हो रहा था तो आपके इसमें रिप्लेसमेंट मतलब आपको नया प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसके बदले रिटर्न नहीं होगा, मतलब आपके इसमें वो मनी वापस नहीं आएंगी। अगर आपके इसमें रिटर्न शो हो रहा था तो आपको रिटर्न पे क्लिक करके ये प्रोसेस करनी है, तो अब आपको रिटर्न मिल जाएगा, आपको कोई आइटम लेने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पैसे मिल जाएंगे आपके अकाउंट में। तो यह आपको एक ऑप्शन आएगा जो भी आपको बताएंगे उस पर क्लिक करके आपको यह क्या करना, कंफर्म योर रिटर्न ऑप्शन वाले पे क्लिक करना है। आपको डेट दी जाएंगी कि इस दिन तक का हमारा जो भी है बॉय आ जाएगा डिलीवरी लेने के लिए, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपका ऑर्डर जो भी था उसको वापस कर देना है, और आपका जो भी है 24 घंटे के अंदर आपके पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस में जो भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आया, तो वीडियो को डबल से देख सकते हो और कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना।